हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं? स्वागत है फिर से एक और न्यू ब्लॉग्स में। दोस्तों सुबह के भी पौने छः हो रहा है और मैं 5:15 बजे आया हूँ इधर घूमने। दोस्तों अभी घूम लिया और शरीर में भी भीतर गया हुआ था चलाया। और दोस्तों आज का मौसम भी सुबह सुबह का इस तरह का, ये देख सकते हैं पूरी तरफ से चारों तरफ बादल लगा हुआ है और पूर्व साइड में भी सूर्योदय हो चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है, बादल से ढका हुआ है। तो कल भी ऐसा ही था लेकिन कल बारिश खूब तेज हो गया, तो देख सकते हैं कल पूरा ही भरा हुआ था पानी से, बहुत तेज बारिश हुआ। लेकिन इधर पानी लगा हुआ है गहरा गहरा में, ये सभी सूख गया है, थोड़ा थोड़ा लगा है। नहीं तो कल इस समय बारिश हुआ 10-11 बजे के आसपास में कल सुबह में, तो बहुत ज़्यादा पानी था। तो चलिए दोस्तों अभी घूम लिया इधर। सुबह का मौसम दोस्तों बहुत ही प्यारा लगता है, क्या बताएं आप लोगों से। हवा, सुहाना मौसम और साथ में सुबह का टहलने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए अभी घूम लिया, चलते हैं घर पे और बादल लगा हुआ है, देखते हैं क्या होता है, आज बारिश आता है कि नहीं आता है। और एक और बात दोस्तों, कल जो है ना बारिश हुआ था इधर, यहाँ से 4-5 किलोमीटर इसी साइड में इधर फेरी करने गए थे, उधर थोड़ा भी बारिश नहीं हुआ। तो आज देखते हैं आज कैसा मौसम रहता है। फिलहाल दोस्तों चलते हैं, मालूम सर आना है तो वीडियो अपलोड हो गया, चलते हैं घर पे। तो दोस्तों अभी पूरी तरह से अभी बादल लगा हुआ है, देख सकते हैं अभी अंधेरा जैसा है। और अभी मैं आ गया हूँ घर पे, तो चलते हैं अभी माल सरियाते हैं, सबको सरिया लेते हैं और सरिया करके रेडी कर लेते हैं। इधर झोला में कभी सरियाना है, गमछा तो ऐसा ही है लेकिन इसको सरियाएंगे खाली और इसको सरियाना है। चलते हैं, सबको सरिया करके रेडी कर लेते हैं। दोस्तों अभी इसमें काजल इतना हमारा बचा हुआ है और कैरेट वाला सरिया लिए, झोला में का सरियाना है और गमछा भी सरियाना है। और दोस्तों अभी टाइम पौने सात हो गया है और बारिश अभी होने लगा है, तो दिखाते हैं। बारिश चालू हो गया अभी, अब पौने सात हो रहा है टाइम, तो चलते हैं पहले सबको अच्छे से सरियाते, आधा घंटा समय और लगेगा तो सब सरिया भी आ लेते हैं। और बारिश तो हो रहा है और बारिश होने के बाद छुट्टेगा, फ्रेश मौसम होगा, कल जैसे फिर जाएंगे फेरी पर। दोस्तों मालूम सारा सरिया लिए, पूरा तरह से अच्छी तरह से रेडी कर चुका हूँ और अभी बारिश दोस्तों बहुत तेज हो रहा है, 7:30-8 हो रहा है। और इस समय का व्यू देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है, खूब तेज बारिश हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रहा है। तो अभी चलते हैं दोस्तों, स्नान वस्नान कर लेते हैं। और एक आदमी से मैंने कर्ज लिया था, मतलब पड़ोसी से ही, तो देख सकते हैं ये हमारे पास रुपया है, 10,000 रुपया लिया हुआ था और ये 13,300 है, 11 महीना हो गया, 13,300 रुपया उसका हिसाब होता है। देखते हैं वहाँ पे चलते हैं उसको देंगे, बारिश अभी हो रहा है तो नहा वाले दे तो चलेंगे देने, तो 13,300 रुपया उसका हिसाब होता है, देखते हैं 1 रुपया छोड़ता है कि नहीं। दोस्तों अभी मैं ठीक है, तक नहा सुना करके रेडी हो चुका हूँ और आज बारिश में खूब नया है, बारिश में सबसे खूब नया है। अभी देख सकते हैं अभी बारिश हो ही रहा है और लगभग 1 घंटा से बारिश हो रहा है, कुछ जम के 1 घंटा से, और अभी 8:30 हो गया है और देखते हैं कितना बजा होता है, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक दिया हुआ है टाइम कि बारिश होगा, फिर देखते कितना बजे होता है। चलिए होली होता है बारिश से तो मई में होने वाला होता है, तो भी हो जाता है, हवा भी चल रहा है और तेज बारिश खूब हो रहा है। और हमारा ये वाला घर जो है दोस्तों इस तरह से जो है ना एल्बेस्टर पुराना हो गया है, तो चूरा है, बहुत जगह चूरा है अंदर में, अभी जाएंगे तो दिखाएंगे, लेकिन अभी बारिश हो रहा है तो अभी नहीं जा रहे हैं, नहीं तो गीला हो जाएगा कपड़ा इसके लिए। ये वाला भी चूरा है और उधर वाला भी बहुत चूरा है, क्योंकि ये इन्वेस्टर का लगभग हो गया कितना 15 साल के आसपास हो गया, और इन्वेस्टर का आधा रहता है 10 साल से 12 साल चला सकते हैं, ये इसको हो गया है लगभग 15 साल से ज़्यादा हो गया है, बहुत जगह जो है ना फुट फुट गया है और छेद भी हो गया है, तो चूरा है देख सकते हैं। तो चलिए अभी दोस्तों थोड़ा रुकते हैं, बारिश छूट जाता है उसके बाद में चलेंगे उसको पैसा देने। तो बारिश अभी हो रहा है और 10 बजने वाला है और पैसा देकर आ गया, 100 रुपये छोड़ा है, कम दिए हैं तो बोला है ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं घर पे और दोस्तों 10 बज चुका है, अभी तक बारिश हो ही रहा है, एगो दो तो आज तो नहीं जा पाएंगे।
आज है ना 17,000 रुपया कर्जा चुका के बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, और मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा विश्वास हो रहा है कि खुद पर विश्वास हो रहा है कि मैं जितना भी लोन है वो सारा चुका दूंगा, क्योंकि आज इतना चुकाया हूँ तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों, बुक पढ़ते हैं तब तक। अभी तो बारिश छूट गया है, अभी थोड़ा एक दो पड़ रहा है, अभी तो बहुत गीला हो गया अभी धरती। अभी चलते हैं बुक पढ़ते हैं। आज हमारे पास है ए वाला किताब, देख सकते हैं ए वाला किताब है, दिख रहा होगा, तो ये किताब पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। तो अभी बारिश छूटा हुआ है और अभी कुटी थोड़ा काटा था तो वही काटे थोड़ा कागजा छोड़ दिया है, भी लगाया है, मैं काट रहा हूँ तो हो गया कटा हुआ। अभी चलते हैं, आते हैं सरे की तरफ से घूम कर, एक सरिया दे, चलिए आते हैं सरे की तरफ से घूम करके। तो दोस्तों ज़बरदस्त बारिश हुआ है, देख सकते हैं कितना पानी लगा हुआ है खेत में, पूरा पानी से भरा हुआ है, क्योंकि लगभग 2 घंटा 2:30 10 बजे 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बारिश होता ही रह गया है, तो काफ़ी पानी लगा हुआ है सारे खेत में, देख सकते हैं। जिसको बिया तैयार है उसको तो रोपनी हो रहा है, लेकिन हम लोग का भी बिया तैयार नहीं है तो अभी रोपनी हम लोग का नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारे कोई लोग का जिसको तैयार हो गया है बिया रोपने वाला वो सबका हो रहा है, बहुत पानी लगा हुआ है। चलते हैं सरे में फिर दिखाएंगे, इधर भी देख सकते हैं पूरा खेत भरा हुआ है। दोस्तों इधर भी देख सकते हैं सारे खेत में पानी लगा हुआ है एक भर से, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, लगभग 2.5-3 घंटा तक बारिश होते ही रह गया है। तो चलते हैं, आते हैं बीच सरेह में के घूम करके, और अभी बारिश छूट गया है लेकिन थोड़ा गर्मी है और शाम को फिर बारिश होने वाला लगता है, लेकिन देखते हैं फिर आता है कि नहीं बारिश। चलिए घूम के आते हैं उधर से घूम करके। तो अभी 4:30 हो रहा है और अभी धूप आ गया है, देख सकते हैं लगभग 12:30 बजे से देरी हो गया है। अभी मैं साइकिल से आया हूँ घूमने, इधर थोड़ा देर रुकते हैं फिर चलते हैं, और अभी बारिश का मौसम है तो जब भी उबेर हो निकल जाना पड़ेगा फेरी के लिए, पूरी धूप के पैरा ताकेंगे, रास्ता देखेंगे कि धूप आएगा तो जाएंगे, तो धूप ना आएगा ना जा पाएंगे, इसलिए बरसात का मौसम है तो जब भी उबेर होता है तो निकल जाना पड़ेगा, निकल जाएंगे। तो चलिए कल से देखेंगे, कल से थोड़ा भी उबेर होगा, थोड़ा भी बारिश बंद होगा बस निकल जाएंगे। चलते हैं दोस्तों घूम लेते हैं थोड़ा सा इधर। तो चलिए दोस्तों अभी घूम लिया, इधर गया हुआ तो थोड़ा सा घूमने उधर, और अभी गाड़ी साइकिल लगा दिए हुए हैं पंचायत भवन के पास में, वहाँ पर लगाए हुए हैं, टायर दिख रहा है बैलगाड़ी टायर वहीं पर लगा दिए हुए हैं। तो चलते हैं थोड़ा घूम लिए गाची की तरफ भी, दोस्तों यहीं पर लगा दिए हुए हैं, देख सकते हैं ये हमारा साइकिल है, चप्पल भी यहीं लगा दिए थे, उधर पानी वानी था इसके वजह से। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं इधर से घूम लिए, अब चलते हैं घर पर। और दोस्तों आज का इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, मिलते हैं कल सुबह एक और न्यू ब्लॉग्स में, इतना ही, बाय बाय, गुड इवनिंग।